आई रियली 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 लाइक दैट इन फैक्ट ये चाक्य ने भी बोला है और बहुत सारे और लोगों ने भी बोला है दैट इज गुड टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स फ्राम योर मिस्टेक्स बट इट इज़ ऑलवेज बेटर ऑलवेज ऑलवेज बेटर टू लर्न फ्रॉम दी अदर पीपल मिस्टेक्स आज हम भी यही करने वाले हैं बच्चे हम भी यह सीखेंगे कि वो गलतियाँ जो एस बी एल एग्जाम में लास्ट टाइम हुई वो क्या थी ताकि हम ये सीख सकें कि हमने वो गलतियाँ दोबारा नहीं करनी है हम तो फिन ट्राइवर है सर हम तो सीख के ही जाएंगे और हम ये गलती दोबारा करेंगे ही नहीं बिल्कुल मैंने ये गलती दोबारा करने भी नहीं देनी है बट वो गलतियां है, हैं क्या एक बार देखें बिल्कुल आगे चलते हैं एंड यू नो दिस दिस बेसिकली कम्स फ्रॉम द एग्जामिनर रिपोर्ट दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दी ए सी वेबसाइट जहां वो आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट देते हैं और वो बताते हैं कि कैंडिडेट्स ने कहा अच्छा किया और कहा अच्छा नहीं किया ऐसा कोई और करता है कोई और आपको बताता है किसी एग्जाम में कि पिछले एग्जाम में किसने कैसा किया था ए बताता है एंड कुडोज टू देम दैट दे रियली वॉन्ट देयर किड्स टू बी सक्सेसफुल सो दे ऑलवेज कम बैक देखो बच्चों आपने यहां यहां अच्छा नहीं किया है यहां यहां अच्छा करो मार्च ट्वेंटी एग्जाम की अगर आप एग्जामिनेशन रिपोर्ट उठाएंगे उसके अंदर छह ग्लेयरिंग मिस्टेक स्टूडेंट्स की नजर आती हैं जो मैं आज लेके आया हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हु इज प्लानिंग टू गिव एग्जाम राइट नाउ अंडरस्टैंड कि ये गलतियां वो दोबारा ना दोहराए कुछ गलतियां हैं क्या देखें चलो हम आगे गए थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं कि क्वेश्चन क्या आया था एस का मैं पहले भी बता चुका हूं एंड यू ऑल नो दैट एस के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही बड़ा आता है दस से बारह पेजेस कभी कभार उससे ज्यादा भी और बहुत सारा आपको मटेरियल दे दिया जाता है कंज्यूम करने के लिए और फिर आपको कुछ पोजीशन दी जाती है चाहे वो एक कंसल्टेंट की हो चाहे वो ऑडिटर की हो चाहे वो एक्सटर्नल एडवाइजर की हो एंड व्हाट नॉट और आपको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट डिफरेंट केसेस पर सजेस्ट करना पड़ता है अपने व्यूज देने, देने पड़ते हैं अपनी रिकमेंडेशन देनी पड़ती है एंड वॉट नॉट ऐसा ही क्वेश्चन मार्च ट्वेंटी में आया टीज देयर फॉर यू कंपनी का क्वेश्चन था एंड देवर ऑफरिंग दी सपोर्ट एंड डाटा होस्टिंग सर्विसेस बिल्कुल ठीक बात कैंडिडेट रोल वॉज एज लीडर ऑफ टीम of an external consulting firm that the directors have engaged to advise them ये बेटा फाउंडेशन है आपने जब एग्जाम देने जाना है तब भी आपको एक ऐसा ही केस मिलेगा आपको सबसे पहला काम यह समझना है कि मेरी को काम क्या करना है यहाँ पे मेरी पोजीशन क्या है मुझे क्या काम करना है मुझे किसको रिपोर्ट करना है जिसको रिपोर्ट करना होगा उसको वैसा लिखना पड़ेगा उतना प्रोफेशनल होना पड़ेगा उतना प्रोफेशनली लिखना पड़ेगा उतना स्मार्टली लिखना पड़ेगा बात समझ में आती है बिल्कुल आती है तो ये तो था बैकग्राउंड कि क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या था क्वेश्चन का बैकग्राउंड सर एक टीच देर फॉर यू का कंपनी थी हमें एक एक्सटर्नल एडवाइजर की तरह कंसल्ट करना था बिल्कुल ठीक बात है अब देखते हैं एग्जाम परफॉर्मेंस कैसे रही ए का एग्जामिनर नोट स्पेसिफिकली कहता है कि देर वॉज एन ओवरऑल डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गया दिस वॉज वन ऑफ द पोरेस्ट सिटिंग ऑफ एस बी एल सोफार बहुत दिल टूटता है ये पढ़ के पोरेस्ट एसबिल थी बच्चों ने काफी जगह गलतियां करी क्या किया उन्होंने चलो देखते हैं ये छह मिस्टेक्स हैं जो बच्चों ने करी हैं सबसे पहले मिस्टेक लैक ऑफ अनालिसिस स्किल्स एंड इनबिलिटी टू सिलेक्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू आंसर requirement। ये बहुत प्रोमिनेंट गलती है और बहुत प्रोमिनेंट तरीके से एग्जाम में देखी जाती है क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है डिटेल्स बहुत सारी होती हैं हमें सबसे पहला काम यह करना होता है कि हम क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और फिर हम उसकी रिलेटेड रिक्वायरमेंट को एनालाइज करें इस पूरे और बड़े क्वेश्चन में बच्चों ने यहां पे गलती करी है ये मैं क्लासेस में भी बताता हूं जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं क्लास में तब भी समझाता हूं कि आपको क्वेश्चन को कैसे रीड करना है क्या स्मार्ट तरीका होगा इस चीज पे बच्चे बहुत गलतियां होती हैं और लास्ट टाइम भी ये गलती हुई है सेकेंड गलती पे आते हैं नॉट एक्सप्लेनिंग वाई द पॉइंट मेड वर सिग्निफिकेंट इन कंटेक्सट ऑफ द टास्क रिक्वायरमेंट आपने ये बताया ही नहीं कि आप जो पॉइंट बना रहे हो या जो पॉइंट बता रहे हो उस पॉइंट का सिग्निफिकेंस उस आंसर की रिक्वायरमेंट से क्या है ये हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप कोई भी चीज को सिलेक्ट करो एनालाइज करो तो आपको यह बताना चाहिए कि इसके प्लसेज एंड माइनसेस क्या है यह कैसे को होता है इस आंसर रिक्वायरमेंट से यह कैसे को होता है इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट से एंड सो एंड सो फोर्थ बच्चे गलती यहां पे करते हैं जब हम क्वेश्चन कराते हैं जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इस चीज़ का हम खास ध्यान रखते हैं कि आपको ये चीज़ बार बार और बार बार बताई जाए कि इस चीज़ की गलती हमें नहीं करनी है तीसरी गलती क्या थी लैक ऑफ कमर्शियल अवेयरनेस ये मैं भी थोड़ा सरप्राइज हूं कि ऐसी गलती नजर आई बिकॉज generally speaking, uh, i have not seen this mistake earlier wherein people are not really working towards the commercial acumen wherein was cost-benefit analysis hai. is cheez ki commercial awareness kaya? from the context standpoint, from the question standpoint, a mere bhi thi. but yes, there is a term that has come up, which is of commercial awareness. तो कहीं कहीं हमें मेहनत करने की जरूरत है कि अगर हम किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं तो उसका कमर्शियल स्टैंड पॉइंट उसकी वाइबिलिटी स्टैंड पॉइंट फाइनेंशियल वाइबिलिटी स्टैंड पॉइंट हम अच्छे से असेस करें कोई बात नहीं गलती देख ली सर सॉरी फॉर इंटरप्शन बट डू यू नो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द मोर अवेड वर्जन ऑफ यू योर मोर अवेड वर्जन वुड सब्सक्राइब टू आर चैनल फिट फ्राइम ग्लोबल एंड प्रेस फॉर कीप गेटिंग दिस And and these updates, subscribe to 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 our channel and press the 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 bell icon right now. Failing to respond to the requirement in the professional or commercial manner. थक गया हूं ये चीज का हमें सबसे और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि हमें बहुत और बहुत प्रोफेशनल रहना है अभी भी बच्चे गलती करते हैं कहीं कई जगह प्रोफेशनल नहीं हो पाते हैं और उसकी वजह से एग्जामिनर हमें हमसे नाराज हो जाता है एग्जामिनर को हमने नाराज बिल्कुल नहीं करना है सर हम तो फिंड सर हम बिल्कुल नाराज होने ही नहीं देंगे एग्जामिनर को मैंने होने ही नहीं देना बच्चे बात तो समझ आती है बिल्कुल आती है नेक्स्ट पॉइंट इज वेस्टिंग टाइम मेकिंग इेलिवेंट पॉइंट्स यह भी बहुत प्रोमिनेंट मिस्टेक है जहां पे हमें एक चीज लिखनी होती है क्योंकि हमें लगता है क्वेश्चन बीस नंबर का है पंद्रह नंबर का है पच्चीस नंबर का है हम उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करते हैं बिकॉज हमें पैरा बनाना है पूरा पेज भरना है दो पेज भरना है एंड वॉट नॉट ये नहीं चलेगा इरेलीवेंट पॉइंट नॉट रिलेटेड पॉइंट इ रैशनल पॉइंट एग्जाम में नहीं लिखने हैं और बिल्कुल नहीं लिखना है ये गलती हुई ये गलती दोबारा आई सामने बात समझ में आती है बिल्कुल आती है सर लास्ट इज फेलिंग टू प्रोवाइड एवरीथिंग दैट द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बच्चे सबसे पहला काम मैं हर बच्चे को बोलता हूं हर क्लास में बोलता हूं हर क्वेश्चन बोलता हूं क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो क्वेश्चन चाहता क्या है जितना आप अच्छे से वो पढ़ोगे वो कुछ आता क्या है उतना आप अच्छे से एनालाइज करके आंसर को ढूंढ पाओगे निकाल पाओगे बच्चे कहीं के जहाँ गलती कर जाते हैं वो उस चीज़ को ढंग से नहीं बता पाते हैं या कोई पार्ट मिस कर देते हैं ये भी एक गलती रही ये वो छः की मिस्टेक थी जो इस पर एग्जाम में देखी गई और एग्जामिनर ने हमें बिल्कुल और बिल्कुल क्लियरली बताया कि देखो ये देखा गया है बच्चे इसको पढ़ो इसको मत भूलो बट फिर भी बहुत सारे बच्चे एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ना भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं हम आ गए एग्जामिनर रिपोर्ट को डिटेल शेप में आपको एक्सप्लेन एक बारी में कर देने ताकि वो आपके अंदर समा जाए आगे चले चलो कुछ स्पेसिफिक कॉमेंट्स हैं विच आई रियली वॉन्टेड टू हाईलाइट जो जो एग्जाम से रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ यू नो वॉट द एग्जाम नंबर वन गेटिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स वॉज एन इशू इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो मॉडर्न एरा में बहुत फेमस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ यू नो द वे इंटरनेट इज प्रोग्रेसिंग इन आ वर्ल्ड एस एसबीएल एग्जाम कोई ना कोई मॉडर्न टॉपिक को उठाता है और हमें जरूर उस पर टेस्ट करता है और जैसे उसने लास्ट टाइम हमें किया इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कुछ नहीं है जैसे आपका मोबाइल है जैसे आपका क्लाउड फॉर्मैट है इन टर्म्स ऑफ यू नो वॉट यू इंटरेक्ट विद द वे यू डील विद जैसे आप अपने लैपटॉप से डील करते हो जैसे आप बहुत सारी एप्स यूज करते हो एंड वॉट नॉट ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड होती हैं और जैसे जैसे इंटरनेट प्रोग्रेस करता जा रहा है हमारी लाइफ में उसका कैसे कैसे इंपैक्ट होता जा रहा है कई बार बच्चा इन मॉडर्न इश्यूज पे स्ट्रगल करता है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट एंड आंसरिंग दैट इन वे द एग्जामिनर वांट्स यहां पे वो गलती हुई हम जब टेक्नोलॉजी का टॉपिक कराते हैं या मॉडर्नाइजेशन के टॉपिक कराते हैं या द न्यू रीसेंट चेंजेस कराते हैं वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ कराते हैं ताकि आपको ये बात अच्छे से ध्यान रहे कि ये गलती एग्जाम में रिपीट ना हो बात समझ में आती है बिल्कुल आती है सर पूर रीडिंग स्किल्स एज आई ऑलरेडी सेट कई बार हम रिक्वायरमेंट ढंग से पढ़ते नहीं है और हम उसे पूरे ढंग से आंसर भी नहीं करते लैक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू द केस गिवन इन द क्वेश्चन एग्जामिनर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है हमसे कि हम अपना अप्लाई करें माइंड और उसे बहुत सारे आइडियाज दे के आएँ प्लस में भी दे के आए माइनस में भी दे के आए ये चीज बच्चे मिस कर देते हैं मेनली रिप्रोड्यूसिंग द मटीरियल विदाउट डेवलपिंग देर आइडियाज बिल्कुल और बिल्कुल नहीं चलेगा मटीरियल वो दोबारा लिख के कोई फायदा नहीं होने वाला है एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है उसे पता है ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज ना लिखें बात समझ में आती है बिल्कुल आती है purely theoretical answers with less practical implication he really wants to be very 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 practical theory likhne se kaam nahi chalega poor professional skills i have been highlighting that earlier earlier ispe thodi mein aur bhi because professional skills are specific baat hai usne hai, which i really really want to highlight and last but not the least was failure to understand the strategic positioning and importance of risk इसलिए जब हमने स्ट्रैटेजी इस बार किया स्ट्रैटेजी का चैप्टर किया तो हमने ड्यू एम्फोसिस दिया इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग स्ट्रैटेजिक एनालिसिस पे भी अभी हमने हाल ही में स्ट्रैटेजिक एक आर्टिकल को भी पढ़ डाला डिटेल में किया इन टर्म्स ऑफ यू नो हाउ टू डू दैटेजिक एनालिसिस समझ में आती है बिल्कुल आती है सर अब हम आंखें गए हमने देखा कुछ प्रोफेशनल स्किल के इशूज आए हैं क्या वे इश्यूज हैं सर फटैक से बता दो सर हमें क्या हैं नंबर वन फेलिंग टू प्रोवाइड ऑल टास्क रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्पल नॉट डिस्कस टू बोथ टी टी फॉर यू एंड एम्प्लॉइज एक एग्जाम्पल दिया था एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर तो मैंने उससे स्पेसिफिकली पिक किया कि अगर आपका पूरा क्वेश्चन कोई चीज पूछ रहा है और आप उसको आधा आंसर कर रहे हो तो वो प्रोफेशनली आपको मार्क्स नहीं देने वाला है बात समझ में आती है बिल्कुल आती है फेलिंग टू डिमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो डिमोन्स्ट्रेट भी कर पाओगे नॉट सेइंग कैटेगोरिकली ऑन दिस की फॉर्मैट को जरूर समझो इस एग्जाम में फॉर्मैट की बहुत जरूरत है आपको लेटर कैसे लिखनी है ईमेल कैसे लिखना है प्रेस रिलीज कैसे लिखना है यह पता होना चाहिए हम इन सब चीजों को क्वेश्चन में कवर करते जा रहे हैं ड में आती है बिल्कुल आती है नॉट कंसिडरिंग हु रिसीविंग द डॉक्यूमेंट दैट दे प्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल फेलिंग टू एड्रेस इंप्लाइड डायरेक्टली इन द लेटर टू दैम जिसको लिख रहे हो उसका कॉन्टेक्ट सोच के लिखो समझ के लिखो अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस इज द की इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना है फेलिंग टू प्रोड्यूस द बैलेंस आंसर फॉर एग्जाम्पल फेलिंग टू डिस्कस पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑप्शन एज वेल एज देर पोटेंशियल बेनफिट आई हैव बीन सेइंग लॉट ऑफ टाइम्स ऑन दिस दैट आप कोई भी ऑप्शन आओ उसके प्लस एंड माइनस दोनों आओ एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि आप कितने वर्सेटाइल हो कितनी आपकी ऑलराउंड नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पुअर टोन एंड कॉमेंट वर मेड फॉर एग्जाम्पल मेकिंग सिलेंडरस कॉमेंट्स अबाउट द मार्केटिंग डायरेक्टर बच्चे अगर किसी का काम बुरा लगे भी क्वेश्चन में तो भी अनप्रोफेशनल नहीं होना है गलत बात नहीं कहनी है हम प्रोफेशनल हैं स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लीडर हैं हमने ऐसा कुछ भी और कुछ भी गलत नहीं करना है हम तो सर हम गलत कहेंगे ही नहीं मैंने गलत कहने देना ही नहीं है आगे चलें सम सजेशंस मैं ऑलरेडी बहुत सारे कवर कर चुका हूं बट ये सम सम ये स्पेसिफिक जनरलाइजेशन है जो पूरा एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ के सामने आती है नंबर वन प्रैक्टिस पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमने बहुत सारी चीजें कवर करी अपनी क्लासेस में क्वेश्चन मैराथन में भी बहुत सारी चीजें कवर हो रही हैं कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ टास्क रिक्वायरमेंट आई बीन कैटेगरिकली सही आप टास्क रिक्वायरमेंट पूरी पढ़ो वो पढ़ोगे तो गलती होगी नहीं स्ट्रक्चरली लॉजिकली वर्क ऑन प्रोफेशनल स्किल्स वी हैव बिन वर्किंग ऑन दिस एंड विल कीप वर्किंग ऑन दिस एंड विल श्योरली मेक श्योर दैट यू नो आपको इस चीज की प्रॉब्लम ना आए बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ द डेप्थ और डिस्कशन रिक्वायर्ड विद द नंबर ऑफ पॉइंट्स मेड अगेन टू मच वॉल्यूम देने की जरूरत नहीं है covering the most important points is the key not padded out with the material that does not address the task requirement again is the key fall to information hum not making the same point two times i have said enough on this strategy risk understanding needs to enhance strategy of risk may or jan la or jan la or jan practice the mock exams सीसी के मॉक एग्जाम्स भी अवेलेबल हैं हम भी मॉक एग्जाम देंगे आपको वो एग्जाम करते रहना है प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो गलती होगी नहीं दैट इट ऑन द मिस्टेक्स दैट द पीपल मेड ऑल आई कैन टेल यू इज बच्चे अपनी गलती से ज्यादा अच्छा है दूसरे की गलती से सीखो इसको कैप्चर कर जाओ एंड वी विल बी एट होम पासवर्ड में आती है बिल्कुल आती है मैं इस वीडियो के नीचे आपको डिटेल दे रहा हूं टर्म्स ऑफ द थिंग्स दैट यू need टू कंसिडर एंड examiner रिपोर्ट पढ़ने के लिए दे रहा हूं जो examiner रिपोर्ट एसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है आप क्लिक करते ही एसीसी की वेबसाइट पर जाओगे आप उसको डिटेल आउट रीड रीडमिट कर सकते हो आई होप यू लाइक दिस यू रियली वॉन्ट टू हैव दीज दीज वीडियो एंड ऑल these videos आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप और भी देख सकते हैं जस्ट सब्सक्राइब एंड also प्रेस the बेल आइकन ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले बात समझ में आती है बिल्कुल आती है थैंक्स फॉर नाउ